नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी और आप देख रहे हैं नीमच टुडे। चलिए आज की बड़ी खबर बताते हैं। सीबीएन ने मंगलवार को नीमच के दो बड़े पोस्ता कारोबारियों की फैक्ट्री पर दबिश दी और बड़ी कार्रवाई की। सीबीएन की कार्रवाई करीब 5 घंटे तक लगातार चलती रही। इस कार्रवाई में सीबीएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने फैक्ट्री के दस्तावेजों को खंगाला, पोस्ता की जाँच की और गोडाउन की तलाशी भी ली। इस कार्रवाई के बाद नीमच जिले के सभी पोस्ता व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीएन ने मंगलवार को शहर की दो बड़ी पोस्ता फर्मों पर ताबड़तोड़ छापा मारा तो पोस्ता व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इन फर्मों पर पोस्ता दाना की आड़ में धोलापाली के अवैध कारोबार को अंजाम देने की सूचना पर सीबीएन का काफिला छापा मारने पहुंचा और 5 घंटे तक गोदाम की तलाशी के साथ पोस्ता की जाँच की और दस्तावेज खंगाले। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन ने मंगलवार को पोस्ता दाने की आड़ में धोलापाली के काले कारोबार को लेकर श्री केशव इंटरप्राइजेस और नितेश कुमार मनोज कुमार फर्म पर छापा मारा। कनावटी के पास महू नसीराबाद रोड पर ज्ञानोदय कॉलेज के पीछे उक्त दोनों फर्मों की फैक्ट्रियों पर सीबीएन ने करीब 5 घंटे तक लगातार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान सीबीएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने फैक्ट्री में मौजूद पोस्ता दाना की जांच की और दस्तावेजों को खंगाला। सीबीएन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से सभी पोस्ता व्यापारियों में हड़कंप मच गया। करीब 8 से 10 कारों में सीबीएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त दोनों फर्मों पर दबिश दी। फैक्ट्री के सभी दरवाजे बंद कर खामोशी से कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई पूरी कर करीब 3 बजे सभी अधिकारी अपने वाहनों में बैठे और निकल गए। इधर सीबीएन अधिकारियों द्वारा श्री केशव इंटरप्राइजेस के मालिक को भी हिरासत में लेने की सूचना है। हालांकि सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देने से गुरेज करते नजर आए। इससे पहले भी श्री केशव इंटरप्राइजेस धोलापाली के काले कारोबार को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। वहीं इसके तार तस्कर बाबू सिंधी सिंडिकेट के साथ भी जोड़े जा रहे हैं। बता दें कि श्री केशव इंटरप्राइजेस और नितेश कुमार मनोज कुमार दोनों ही फर्म बड़े पैमाने पर पोस्ते का व्यापार करते हैं। ऐसे में सीबीएन को पहले से यहां पोस्ता दाना की आड़ में धोलापाली के काले कारोबार करने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद मंगलवार को करीब 11 बजे सीबीएन ने दोनों फर्मों पर छापा मारा और कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी और आप देख रहे हैं नीमच टुडे। अभी हम ज्ञानोदय कॉलेज के पीछे श्री केशव इंटरप्राइजेस के गोदाम के पास मौजूद है। यहां सीबीएन ने बड़ी कार्रवाई की है। पोस्ता दाना की आड़ में धोलापाली का अवैध कारोबार करने की सूचना पर करीब 5 घंटे तक यहां सीबीएन की कार्रवाई चली। 8 से 10 कारों में सीबीएन के अधिकारी आए और अभी कुछ देर पहले ही उनका काफिला यहां से निकला है। 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सीबीएन के अधिकारी लगातार जांच करते रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोडाउन बना हुआ है श्री केशव इंटरप्राइजेस का। इसके दरवाजे बंद है। दरवाजे बंद कर ही पूरी कार्रवाई की गई। किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। लगातार कार्रवाई जारी रही।